हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज के इस वीडियो में हम अपना सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। इसके पिछले वीडियोज में हमने कुछ जो है टॉपिक आपको कवर करा दिए, जैसे कि सेल थियरी, सेल डिस्कवरी और वहाँ पे न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, इन सब चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे राइबोसोम के बारे में। तो ये सीरीज चल रही है हमारी क्लास 11th एंड 12th NCERT बायोलॉजी की, और ये वीडियोज आपको हर एक TGT एग्जाम, चाहे वो KBS हो, DSSSB हो, NBS हो, EMRS हो, सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे। क्योंकि जितने भी TGT एग्जाम्स आप देखेंगे, सब में क्या होता है, सिलेबस सेम होता है, बस उनका लेवल जो होता है थोड़ा सा उसमें डिफरेंस होता है। तो इस वजह से ये जो वीडियोज होंगे आपको हर एक एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे। और हाँ, अगर आप कहीं पे पेड बैच लिए हैं तो उससे मोर देन बेटर, मोर देन इनफ ये वीडियोज आपके लिए होने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पे राइबोसोम के बारे में हमने थोड़ा सा आपको बताया था कि जो राइबोसोम होते हैं, जब हम उनको सेंट्रीफ्यूग करते हैं, क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, तो वो जो है वो इस तरह से फॉल करते हैं, और इनके इस फॉलिंग स्पीड के बेस पे हम इसको डिवाइड करते हैं दो कैटेगरी में। एक होता है हमारा 70S राइबोसोम, एक होता है 80S राइबोसोम। बस हमने इतना जो है राइबोसोम के बारे में डिस्कस किया था, लेकिन आज हम यहाँ पे राइबोसोम की डिस्कवरी, राइबोसोम के फंक्शन, ये सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो राइबोसोम है वो डिस्कवर किया गया था जॉर्ज पैलेट के द्वारा। किसके द्वारा? जॉर्ज पैलेट के द्वारा। तो ये नाम आपसे पूछ सकते हैं, राइबोसोम किसके द्वारा डिस्कवर किया गया, तो याद रखना जॉर्ज पैलेट के द्वारा। दैट्स वाई इट्स ऑल्सो नोन एज पैलेट पार्टिकल, यानी जो राइबोसोम है इसी को हम पैलेट पार्टिकल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी डिस्कवरी की गई थी जॉर्ज पैलेट के द्वारा। अब देखिए, एक हैं ये वेंकटेश रामाकृष्ण, ये इनको जो है नोबल प्राइज मिला था किसके लिए, राइबोसोम के ऊपर काम करने के लिए। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे, राइबोसोम के ऊपर काम करने के लिए जो वेंकटेश रामाकृष्ण है, इनको नोबेल प्राइज मिला था, और इसकी जो है डिस्कवरी वो जॉर्ज पैलेट के द्वारा की गई थी, इस वजह से इसको पैलेट पार्टिकल भी बोलते हैं। अब यहाँ पे जो है कुछ पॉइंट हम यहाँ पे देख लेते हैं राइबोसोम के बारे में। तो सबसे पहले देखिए, जो राइबोसोम होता है, हमने आपको क्या बताया था, ये प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स सब में प्रेजेंट होता है, इस वजह से हम इसको क्या बोल देते हैं, यूनिवर्सल ऑर्गेनेलीज। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल ऑर्गेनेलीज। ऑर्गन और ऑर्गेनेलीज में क्या डिफरेंस है, ये भी हमने आपको बता दिया था। अब देखिए, जो राइबोसोम है, हमने क्या बताया था, जो न्यूक्लियोलस है, हमने कल की वीडियो में न्यूक्लियोलस के बारे में डिस्कस किया था। तो न्यूक्लियोलस क्या होता है, एक्टिव साइट ऑफ राइबोसोमल आरएनए। तो इस वजह से जो राइबोसोम है वो कहाँ पे सिंथेसाइज होता है, न्यूक्लियोलस में। तो इस पॉइंट को भी याद रखना, राइबोसोम न्यूक्लियोलस में सिंथेसाइज होता है। राइबोसोम आर ऑल्सो मेम्ब्रेन लेस, जो राइबोसोम होता है वो मेम्ब्रेन लेस होता है। और कौन मेम्ब्रेन लेस होता है? न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस भी कैसा होता है? मेम्ब्रेन लेस। हमने आपको बताया था कुछ ऐसे सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं जो कि डबल मेम्ब्रेनस होते हैं, जहाँ पे हमने क्या क्या देखा था, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस, ये क्या होते हैं, ये होते हैं डबल मेम्ब्रेनस। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनेलीज होते हैं जो कि मेम्ब्रेन लेस होते हैं। क्या होते हैं? मेम्ब्रेन लेस होते हैं, जिसमें क्या था हमारा, राइबोसोम, न्यूक्लियोलस, सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल, ये सब क्या होते हैं, मेम्ब्रेन लेस। इनके अलावा जितने भी सेल ऑर्गेनेलीज बचेंगे वो क्या होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेनस। तो इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। अब आगे देखिए, जो राइबोसोम होता है वो किससे मिलकर बना होता है, कंपोज्ड ऑफ आरआरएनए प्लस प्रोटीन, यानी जो राइबोसोम है वो आरआरएनए प्लस प्रोटीन से मिलकर बना होता है। इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, जो राइबोसोम होता है इसका फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस। तो इस पांच पॉइंट को आप याद रखना, यहाँ से कोई भी स्टेटमेंट वाइज या किसी भी तरह के क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला, ये यूनिवर्सल ऑर्गेनेलीज है, सिंथेसाइज इन न्यूक्लियोलस, ये न्यूक्लियोलस में बनता है, राइबोसोम मेम्ब्रेन लेस होता है, ये आरआरएनए प्लस प्रोटीन से मिलकर बना होता है, और ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। अब देखिए, यहाँ पे हमने क्या देखा, राइबोसोम आर कॉम्प्लेक्स ऑफ आरआरएनए प्लस प्रोटीन। तो ये किस तरह से होता है, देखो, जैसे ये है हमारा स्ट्रक्चर, ये को क्या हो गया, ये हो गया प्रोटीन, और इसके अंदर में ये क्या है, ये है राइबोसोमल आरआरएनए। क्या है? राइबोसोमल आरएनए, यानी आरआरएनए। तो जो राइबोसोमल आरआरएनए है और यहाँ पे जो प्रोटीन है, ये दोनों मिलकर ही क्या बनाते हैं, राइबोसोम।
और ये जो प्रोटीन है यहाँ पे 80 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन होते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे केवल एक ही प्रोटीन हो, यहाँ पे 80 यानी 80 ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन होते हैं जो कि राइबोसोम को बनाते हैं। तो आप सिंपल सा याद रखना, राइबोसोम राइबोसोमल आरएनए यानी आरआरएनए प्लस प्रोटीन से मिलकर बना होता है। अब देखिए यहाँ पे इसके सिंथेसिस में आपसे सिंपली क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइबोसोम के सिंथेसिस में कौन सा आयन हेल्प करता है, तो आप याद रखेंगे ये है हमारा मैग्नीशियम आयन। क्या है? मैग्नीशियम आयन राइबोसोम सिंथेसिस में हेल्प करता है। तो यहाँ पे देखो जैसे ये इसका जो है ये दोनों पार्ट अलग अलग है, इसको जोड़ने के लिए कौन सा आयन हेल्प करेगा, वो होगा हमारा मैग्नीशियम आयन। ये क्वेश्चन ऑलरेडी जो है पूछा जा चुका है। अब देखिए राइबोसोम, हमने आपको क्या बताया था, चाहे वो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम हो चाहे यूकैरियोटिक, वो क्या होते हैं, उनका स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या होता है, सेम होता है। लेकिन ये किस बेस पे डिफरेंट होते हैं, इनके कंपोजिशन के हिसाब पे, किस पे, कंपोजिशन के हिसाब से। जैसे यहाँ पे देखिए इनका जो कंपोजिशन है वो है 50s प्लस 30s, यहाँ पे क्या है यूकैरियोटिक राइबोसोम का क्या है 60s प्लस 40s, और यहाँ पे देखिए जो आरआरएनए है, हमने क्या बोला यहाँ पे प्रोटीन और आरआरएनए होता है, तो जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम होता है वहाँ पे आरआरएनए कौन कौन से होते हैं, 23 sRNA, 16 sRNA, 5 sRNA, तो इसको जो है आप याद रखेंगे। और यहाँ पे देखिए यूकैरियोटिक राइबोसोम में कौन कौन से आरआरएनए होते हैं, 28 sRNA, 18 sRNA, 5.8 sRNA और 5 sRNA। तो आप यहाँ पे देखिए यूकैरियोट में 8 8 8, इस तरह से 8 8 यहाँ पे बार बार आ रहा, तो इससे जो है आप कंफ्यूज नहीं होंगे। मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया कि कौन सा मतलब यूकैरियोटिक राइबोसोम का पार्ट नहीं है इस तरह से, तो आपको ये तीन ऑप्शन तो उसको देना ही पड़ेगा, एक जो है इसमें से कोई सा उठा लेगा और वो आपसे पूछ लेगा कि कौन सा नहीं है। तो इसके बेस पे मतलब आप याद रखना जो यूकैरियोट है उसमें 8 8 8 था, तो इससे जो है आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। और जो 5 sRNA है ये दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ भी है 5 sRNA, यहाँ भी है, तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। बाकी जो जो भी 8 वाले हैं वो सबके सब क्या है, यूकैरियोटिक राइबोसोम। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए टाइप ऑफ राइबोसोम, जो राइबोसोम होते हैं वो यहाँ पे देखिए कौन कौन से होते हैं, एक है हमारा फ्री राइबोसोम, एक है हमारा बाउंडेड राइबोसोम। देखो फ्री राइबोसोम नाम से ही पता है जो फ्री हैं, और बाउंडेड यानी किसी ना किसी से ये बॉन्डेड हैं। तो देखो हमने आपको क्या बताया, जैसे मान लीजिए हमने प्लांट से लिया तो हमने आपको प्रोटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म साइटोसोल ये सारी चीज़ें बताई थी, तो अब आपको इस वर्ड में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा कि साइटोसोल क्या है, साइटोसोल क्या है। तो देखो जो फ्री राइबोसोम है वो किस में होता है, सस्पेंडेड इन साइटोसोल। वो जो है मान लो ये हमारा प्लांट सेल है और यहाँ पे साइटोसोल है, तो इस साइटोसोल में क्या है, हमारे राइबोसोम इधर उधर पड़े हुए हैं, मतलब अब यहाँ पे कोई ऐसा ऑर्गेनली है नहीं जिससे ये बाउंड हो, ये बाउंड नहीं है, इनके नाम में ही है फ्री राइबोसोम, यानी ये इधर उधर क्या है साइटोसोल में बिखरे हुए हैं। लेकिन जो बाउंडेड राइबोसोम है इनके बारे में देखें ना, जो बाउंडेड राइबोसोम है अब वो किस में हो सकते हैं, एक तो प्रोकैरियोट में हो सकते हैं, एक यूकैरियोट में। हमने आपको बताया हुआ है जो प्रोकैरियोट होते हैं यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनलीज क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं, लेकिन यूकैरियोट में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनलीज प्रेजेंट होते हैं। तो इस वजह से जो बाउंडेड राइबोसोम है वो प्रोकैरियोट में और यूकैरियोट में अलग अलग तरह से बाउंड होता है। तो देखिए प्रोकैरियोट में जो बाउंडेड राइबोसोम है वो बाउंड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, और जो यूकैरियोट है इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, देखना ये जो हमारा यहाँ पे प्रोकैरियोट है वहाँ पे जो ये आपको यहाँ पे क्या दिख रहे हैं राइबोसोम, ये हैं हमारे राइबोसोम, तो ये प्रोकैरियोट में किससे बाउंड है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, क्योंकि यहाँ पे इस तरह का कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनलीज क्या है अब्सेंट है, तो इसके पास ऑप्शन का क्या है कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाउंड करेगा। और यूकैरियोट में देखिए ये जो है बाउंड होता है एक तो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, हमने आपको बताया था ना जो न्यूक्लियोलस है सॉरी जो न्यूक्लियस है वो डबल मेम्ब्रेनस है, एक हो गया इनर मेम्ब्रेन एक हो गया आउटर मेम्ब्रेन, तो जो यहाँ पे हमारा राइबोसोम है वो न्यूक्लियस के आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से क्या करता है बाउंड करता है। यूकैरियोट में जो राइबोसोम है वो न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन से क्या करता है बाउंड करता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये है हमारा न्यूक्लियस और ये है हमारा न्यूक्लियस,
एक हो गया इसका इनर मेम्ब्रेन, एक हो गया आउटर मेम्ब्रेन। तो जो राइबोसोम है ये इसके आउटर मेम्ब्रेन पे बाउंडेड हैं। और देखिए बाउंड टू आउटर सरफेस ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब आप यहाँ पे देखेंगे ये आपको न्यूक्लियस से लगा हुआ ये जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो देखो इस पर भी क्या है, यहाँ पे लगे हुए हैं हमारे राइबोसोम। यानी आपने क्या देखा, जो राइबोसोम होते हैं उनको हम डिवाइड करते हैं दो टाइप के, एक हो गया हमारा प्री राइबोसोम जो कि साइटोसोल में इधर उधर ऑटोमेटिक बिखरा पड़ा है, लेकिन एक होता है बाउंडेड राइबोसोम जो कि प्रोकैरियोट में प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाउंड करता है, और यूकैरियोट में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और आउटर सरफेस ऑफ ईआर यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या करता है, बाउंड करता है। तो आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा कि राइबोसोम कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होता है। अब आगे देखिए, हमने आपको क्या बताया कि ये जो है ये क्या हो गया हमारा ईआर यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इससे जो है हमारा राइबोसोम क्या है, बाउंडेड है। लेकिन ये किसके थ्रू बाउंड होता है, मान लो आपसे ये पूछ ले कि जो राइबोसोम है वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से किसके थ्रू बाउंड होता है, किससे बाइंड करता है, कौन हेल्प करता है, तो आप क्या बताएंगे, राइबोफोरिन। क्या राइबोफोरिन, जो राइबोफोरिन होता है वो जो है राइबोसोम का इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाइंड करने में हेल्प करता है। तो क्या हो गया, राइबोसोम अटैच टू मेम्ब्रेन बाय द हेल्प ऑफ राइबोफोरिन प्रोटीन। तो इस पॉइंट को भी याद रखना। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फंक्शन ऑफ राइबोसोम। अब हमने यहाँ पे देखा जो राइबोसोम है वो टू टाइप्स के हो गए, एक हो गए फ्री राइबोसोम, एक हो गए बाउंड राइबोसोम। तो दोनों के फंक्शन भी अलग अलग होंगे। जो फ्री राइबोसोम है, जो फ्री राइबोसोम है वो कैसे काम करते हैं, एक्ट एज एंजाइम। एंजाइम ही क्या होते हैं, हमारे बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। तो याद रखना जो फ्री राइबोसोम है वो एंजाइम की तरह काम करते हैं, जिसको हम बोलते हैं राइबोजाइम। क्या बोलते हैं, राइबोजाइम। इस पॉइंट को याद रखना। अब देखो ऑल द एंजाइम आर प्रोटीन, सभी एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं एक्सेप्ट राइबोजाइम। यानी ये जो राइबोजाइम है वो जो है प्रोटीन नहीं होता है। ऑल द एंजाइम आर प्रोटीन एक्सेप्ट राइबोजाइम। राइबोजाइम भी क्या है, एक तरह का एंजाइम है, लेकिन जितने भी एंजाइम होते हैं ये मैं आपको बायोमोलिक्यूल चैप्टर में पढ़ाऊंगी, वहाँ पे क्लियर होगा, क्योंकि यहाँ पे आपके DSSSB के सिलेबस में भी मेंशन है कि एंजाइम मतलब जो है वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो एंजाइम आपको मैं बायोमोलिक्यूल चैप्टर में पढ़ाऊंगी, तो वहाँ पे बताऊंगी इसके बारे में। लेकिन अभी के लिए याद रखना जितने भी एंजाइम होते हैं प्रोटीन होते हैं, लेकिन राइबोजाइम भी एक एंजाइम है लेकिन ये प्रोटीन नहीं होता है। अब देखो जो बाउंड राइबोसोम है उसका फंक्शन क्या होता है, SMS से याद रख लेना, SMS। तो बाउंड राइबोसोम क्या क्या करता है, सिक्रीटरी प्रोटीन सिंथेसिस, यानी ये प्रोटीन सिंथेसिस तो करता है लेकिन कौन कौन सा, सिक्रीटरी प्रोटीन सिंथेसिस, मेम्ब्रेन प्रोटीन सिंथेसिस और स्टोरेज प्रोटीन सिंथेसिस। अब यहाँ पे इसको आप देखिए, ये हो गया, यहाँ पे हमने क्या देखा, ये है हमारा ER, क्या है, ये है ER, और यहाँ पे बाउंड है क्या हमारा राइबोसोम। अब ये राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस किया, अगर ये प्रोटीन जो है सेल के बाहर, ये क्या है हमारा सेल मेम्ब्रेन के बाहर चला गया तो हम इसको बोलेंगे सिक्रीशन प्रोटीन सिंथेसिस, और अगर ये प्रोटीन यहाँ पे मेम्ब्रेन से बाउंड हो गया तो हम बोलेंगे मेम्ब्रेन प्रोटीन सिंथेसिस, और ये प्रोटीन सेल के अंदर ही रह गया तो इसको हम बोलते हैं स्टोरेज प्रोटीन सिंथेसिस। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे हमने जो है राइबोसोम के बारे में डिस्कस कर लिया, उसकी डिस्कवरी, उसके टाइप्स, उसके फंक्शन, ये तीन चीज़ें अभी तक हमने डिस्कस किया, और आई होप आपको सारे पॉइंट जो है क्लियर हो गए होंगे। आपसे कोई भी क्वेश्चन राइबोसोम से पूछा जाएगा तो आप एक भी पॉइंट मिस नहीं करेंगे, और हाँ इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा क्योंकि हम NCERT की एक एक लाइन इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, सॉरी फ्रेंड्स। तो देखो जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, सबसे पहले इसका नाम देखिए अच्छे से, इंडो देखो ई फॉर क्या होता है, ई फॉर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, यानी ओनली विजिबल बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसको केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जा सकता है, ये हो गया ई का मतलब। और इंडो मतलब क्या होता है, इनसाइड। और यहाँ पे प्लाज्मिक मतलब क्या है, प्रोटोप्लाज्म, क्या है, प्रोटोप्लाज्म। और रेटिकुलम का क्या मतलब होता है,
रेटिकुलम का मतलब होता है नेट लाइक, नेट लाइक यानी जाल, जिसको हम बोलते हैं जाला। देखो नेट लाइक और नेटवर्क इस तरह से, ये क्या है हमारा जाला। जैसे आप देखे होंगे जो बैडमिंटन खेलते हैं तो उसमें जो जाल बना होता है, ठीक उसी तरह से जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो भी नेटवर्क होता है। लेकिन किसका किसका, नेट लाइक और नेटवर्क ऑफ, ये किसका किसका नेटवर्क हो सकता है, सिस्टर्नी का, टिब्यूल का और वेसिकल्स का। यानी जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो तीन चीज़ों का नेटवर्क होता है, सिस्टर्नी का, टिब्यूल का और वेसिकल का। अब यहाँ पे इसको समझिए तो आपका मतलब आपको इसका नाम तो समझ में आ गया होगा। ई फॉर विजिबल बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इंडो मतलब इनसाइड, प्लाज्मिक मतलब प्रोटोप्लाज्म, रेटिकुलम मतलब नेट लाइक या फिर नेटवर्क ऑफ सिस्टर्नी टिब्यूल वेसिकल। अब देखिए समझिए सिस्टर्नी वेसिकल और टिब्यूल क्या होते हैं। तो देखो सिस्टर्नी यानी कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर, ये क्या होता है हमारा सिस्टर्नी। और आप देखेंगे जो राइबोसोम है वो किस पे प्रेजेंट होता है, सिस्टर्नी पे ही। अभी आगे समझेंगे, अभी थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखना। देखो ये है हमारा सिस्टर्नी। सिस्टर्नी क्या होता है, फ्लैट मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर फिल्ड विथ लिक्विड। यानी जो ये सिस्टर्नी है यहाँ पे क्या भरा हुआ है, लिक्विड। तो आप क्या बोलेंगे सिस्टर्नी क्या होता है, फ्लैट। यानी देखो ये चपटा सा है, क्या है चपटा सा। तो क्या हो जाएगा, फ्लैट मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर फिल्ड विथ लिक्विड। और ट्यूब्यूल, ये है हमारा ट्यूब्यूल। देखो ये ट्यूब लाइक है ना, ट्यूब लाइक। तो ट्यूब्यूल मतलब स्मॉल ट्यूब। और वेसिकल, वेसिकल क्या होता है, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर यानी स्फेरिकल स्ट्रक्चर जो होता है उसको हम वेसिकल बोलते हैं। जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वेसिकल बोलते हैं। तो जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो किसका किसका नेटवर्क होता है, सिस्टर्नी का, टिब्यूल का, वेसिकल का। और याद रखना जो आपका राइबोसोम होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, सिस्टर्नी पे। याद रखना टिब्यूल पे और वेसिकल पे किसी भी प्रकार का राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता है। और इसी वजह से सिस्टर्नी जो है इसको हम बोलेंगे रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि यहाँ पे राइबोसोम है। और जो टिब्यूल और वेसिकल है इसको हम बोल देंगे स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि यहाँ पे राइबोसोम क्या है, एब्सेंट है। अब आप यहाँ पे समझिए, ये देखो ये हो गया हमारा न्यूक्लियस, क्या है ये है न्यूक्लियस। और ये हो गया हमारा आउटर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, ये हो गया इनर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। और यहाँ से ये आपको दिख रहे होंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये किसके किसके नेटवर्क हैं, देखो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, टिब्यूल। ये क्या है हमारा टिब्यूल, कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर हैं। ये देखो गोल सा है, ये क्या हो गया हमारा वेसिकल इस तरह से। और ये जो ऐसे स्ट्रक्चर है ये चपटे से, इसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टर्नी। क्या बोलते हैं, सिस्टर्नी। तो अब आप इसको फिगर को ध्यान से देखिए, जो राइबोसोम है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, सिस्टर्नी पे। देखो ये हमारा टिब्यूल है, ये वेसिकल है, लेकिन यहाँ पे किसी भी प्रकार का राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है। तो देखो फिगर इसी वजह से हम देखते हैं ताकि वो हमारे माइंड में छप जाए कहाँ पे क्या था क्या नहीं। तो इससे आपको पता चलेगा ये है सिस्टर्नी और सिस्टर्नी पे राइबोसोम प्रेजेंट है, इस वजह से इसको रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। और जो टिब्यूल है, जो वेसिकल है, यहाँ पे किसी भी प्रकार का राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है, यानी राइबोसोम एब्सेंट है, इस वजह से इसको हम स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए क्या हो गया, राइबोसोम अटैच्ड टू आउटर साइड और साइटोप्लाज्मिक साइड ऑफ ईआर एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये फिगर में देखिए, ये हमने आपको ऑलरेडी भी बताया जो राइबोसोम है वो कहाँ से अटैच हैं, आउटर साइड ऑफ साइटोप्लाज्मिक, मतलब आउटर साइड या फिर साइटोप्लाज्मिक साइड। देखो मान लो, जस्ट अ सेकेंड, मान लो ये है हमारा सेल और इस सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस। और हमने आपको क्या बताया था, इसी सेल के अंदर में क्या होता है, साइटोप्लाज्म। तो देखो जो राइबोसोम है वो अंदर के साइड में नहीं है, वो क्या है, वो बाहर के साइड में लगे हैं, यानी साइटोप्लाज्मिक साइड हैं। तो वही हम बोल रहे हैं राइबोसोम अटैच टू आउटर साइड और साइटोप्लाज्मिक साइड ऑन ईआर एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। किस साइड में है, साइटोप्लाज्मिक के साइड में, अंदर नहीं है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता, हमने आपको बताया था यहाँ पे न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, अगर अंदर होता तो हम बोलते न्यूक्लियोप्लाज्म के साइड में है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये है साइटोप्लाज्मिक साइड में। तो इस पॉइंट को भी याद रखना, अगर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बनाते हैं तो यहाँ से छोटे छोटे पॉइंट से आपको वो गलत करवा सकते हैं।
तो इस तरह से अगर आप याद रखेंगे तो आपके क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होंगे। अब देखिए एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एन एक्सटेंशन ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब आप सोचेंगे जैसे इस फिगर को देखिए, ये जब आप इस फिगर को देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये हमारा जो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इसी का एक्सटेंशन है ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऐसा लगता है कि यही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही आगे जाके क्या बना रही है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन अगर आपको याद हो, मैंने आपको एक रेस्टोरेंट वाला जो एग्जाम्पल दिया था कि जो न्यूक्लियस होता है वो कंट्रोल सेंटर होता है। क्या होता है? कंट्रोल सेंटर। और जैसे मान लो हम रेस्टोरेंट में गए तो हमने अपना जो है खाना ऑर्डर कर दिया, तो लिखने वाला यानी जो कंट्रोलिंग सेंटर, जो मैनेजिंग सेंटर है, वहाँ पे हमने अपना ऑर्डर दे दिया। लेकिन अब यही हमको खाना नहीं देते हैं जो लिखते हैं, वो जो है उस ऑर्डर को पास कर देंगे उस किचन में, यानी जो आपने ऑर्डर किया वो वहाँ पे बनाया जाएगा। उसके बाद यानी बनाने का काम कहाँ पे हो रहा था, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। हमने आपको क्या बताया था, जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वही हमारा जो है किचन की तरह काम करता है, यानी जितने भी सिंथेसिस वगैरह का काम होगा वो होगा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो इस वजह से इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का नहीं, देखो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो एक्सटेंशन होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। अब अगर आपको ये ना समझ में आ रहा होगा एक्सटेंशन मतलब क्या है, तो मैं आपको सिंपल बताती हूँ। अगर कोई आपसे ये बोले कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है, तो आप बोलेंगे ये स्टेटमेंट गलत है। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं बनाता, जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाता है। क्योंकि बनाने का काम कहाँ पे होता है, किचन में होता है, और किचन की तरह कौन काम करता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो देखो अगर वो जो है आपको ऐसे घुमा सकते हैं कि न्यूक्लियर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज एन एक्सटेंशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तुरंत ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। आप जो है याद रखना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एक्सटेंशन होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को कौन बनाता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज सिंथेसाइज्ड बाय रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो सिंथेसाइज किया जाता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा। अब जैसे यहाँ पे हमने क्या देखा कि ये जो है हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो इसी का एक्सटेंशन तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन रहा है, यानी ये जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है यही जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बना रहा है। ये वाला पोर्शन नहीं बना रहा, ये हमारा स्मूथ है, ये नहीं बना रहा, रफ वाला बना रहा। तो इस एक फिगर से आपको कितने सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे, तो इसको अच्छे से ध्यान में रखना। तो हमने क्या देखा, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो सिंथेसाइज किया जाता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा। अगर यहाँ स्मूथ लिख देंगे तो आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। याद रखना रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वही हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाता है। अब यहाँ पे देखो ल्यूमेन क्या होता है, ल्यूमेन होता है जैसे मान लो ऐसा कोई स्पेस जिसके अंदर में क्या हो, लिक्विड या फिर फ्लूइड भरा हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, ल्यूमेन। तो अब देखो जो साइटोप्लाज्म है, नहीं जो हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये, इसके अंदर का जो स्पेस है उसको हम बोलते हैं ल्यूमेन, और इसके बाहर यानी ये मेम्ब्रेन है जो साइटोप्लाज्म को अलग कर रही है, यानी कुछ जो है अंदर है जिसको हम बोलेंगे ल्यूमेन, और जो बाहर के साइड में उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। अब यहाँ पे देखो इस पॉइंट से क्या है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज डिवाइडिंग साइटोप्लाज्म इन टू पार्ट। यानी जब हमने यहाँ पे अपना सेल लिया, जैसे मान लो ये हमारा सेल है, ये सेल लिया तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म भरे हैं, तो जो जब हमने यहाँ पे एक मेम्ब्रेन बना दिया, मान लो एक दीवार खड़ा कर दिया, तो कुछ साइटोप्लाज्म यहाँ रह गए, कुछ बाहर रह गए, तो जो अंदर चले गए उसको हम बोल दिए ल्यूमन, यानी ल्यूमिनल साइट, यानी इंट्रा ल्यूमिनल भी कह सकते हैं, और जो बाहर हो गए उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। यानी हम ये कह सकते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज डिवाइडिंग साइटोप्लाज्म इनटू टू पार्ट, ल्यूमिनल एंड एक्स्ट्रा ल्यूमिनल, और जो ल्यूमिनल है इसी को हम इंट्रा ल्यूमिनल भी कह सकते हैं। तो ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा, साइटोप्लाज्म को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है ल्यूमिनल, यानी कि इंट्रा ल्यूमिनल और एक एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। अब देखो फंक्शन ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो जैसे हमने देखा राइबोसोम दो टाइप्स के, एक हमारा फ्री राइबोसोम एक बाउंड राइबोसोम, तो उस बेस पे उसका हमने यहाँ पे फंक्शन देखा। ठीक उसी तरह से आप
रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी फंक्शन याद रखेंगे। देखो सिंपली अब तक आपने क्या किया होगा, कोई आपसे पूछा होगा कि राइबोसोम का फंक्शन बताओ, आप बोल देंगे डायरेक्ट क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस। लेकिन अब अगर आपसे कोई पूछे राइबोसोम का फंक्शन बताओ, तो आप बोलेंगे फ्री राइबोसोम का फंक्शन बताएं या फिर बाउंड राइबोसोम का। अगर बोलें कि बाउंड राइबोसोम का फंक्शन बताओ, तो बोलो कि हम प्रोकैरियोट में बताएं या फिर यूकैरियोट में। तो इस तरह से आपको पढ़ना होगा। वो तो मतलब छोटे बच्चों के लिए ठीक होता है 9-10 तक कि राइबोसोम का फंक्शन क्या है, तो आप बोल देंगे प्रोटीन सिंथेसिस। लेकिन 11-12 लेवल पे आपको वो कैटेगराइज करना पड़ेगा कि कौन सा राइबोसोम। ठीक उसी तरह से जब कोई आपसे बोलता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन, तो आप बोलेंगे रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का या फिर स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसका फंक्शन। देखो जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और हमने आपको बता दिया रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस में होता है, सिस्टर्नी जो होता है उस पे लगा होता है। स्मूथ में कौन आता है, वेसिकल और टिब्यूल। अब देखो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम प्रेजेंट होता है, बहुत अच्छे से समझा दिए हम। और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम अब्सेंट होता है, इसी वजह से इसका नाम स्मूथ है और इसका नाम रफ है, क्योंकि यहाँ पर राइबोसोम आ गया। अब देखो जो RER है यानी रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसका मेन फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस। क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस। और जो SER है यानी स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसका क्या फंक्शन होता है, लिपिड और ऑयल सिंथेसिस। तो इस पॉइंट को याद रखना। अब देखो इसका क्या क्या फंक्शन होगा, प्रोटीन सिंथेसिस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्मेशन, जो हमारा रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वही हमारा क्या बना रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बना रहा है, और वही जो है SER यानी स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बना रहा है। यानी RER के तीन फंक्शन हो गए, प्रोटीन सिंथेसिस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्मेशन, SER यानी स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्मेशन। अब देखिए जो हमारा स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका फंक्शन क्या बताया हमने, लिपिड और ऑयल सिंथेसिस, यानी लिपिड या फिर ऑयल सिंथेसिस करना। इसके अलावा याद रखना CAMS, ये भी इसका फंक्शन होता है। तो क्या हो जाएगा, CA मीन्स कैल्शियम स्टोरेज इन मसल सेल, यानी जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो हमारे मसल सेल में कैल्शियम स्टोर कराता है। और देखो M फॉर मेम्ब्रेन सिंथेसिस, यानी ये जो है मेम्ब्रेन सिंथेसिस में हेल्प करता है। और मेटाबॉलिज्म, आप कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करता है। और क्या याद रखेंगे आप, सिंथेसिस ऑफ लिपिड एंड स्टेरॉयड, जो लिपिड और स्टेरॉयड का सिंथेसिस होता है वो भी SER के द्वारा किया जाता है। तो आप जो है RER, SER इन दोनों का फंक्शन अच्छे से याद रखना। और इसका लास्ट एक फंक्शन है D यानी कि डिटॉक्सिफिकेशन, यानी CAMSD, इस तरह से याद रखना, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन CAMSD। CA मींस कैल्शियम स्टोरेज इन मसल सेल, M मींस मेम्ब्रेन सिंथेसिस एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, S मींस सिंथेसिस ऑफ लिपिड एंड स्टेरॉयड, अभी मैं आपको बता रही हूँ स्टेरॉयड क्या होता है, और D फॉर डिटॉक्सिफिकेशन। आप देखेंगे ये पॉइंट जो है डिटॉक्सिफिकेशन का, ये जो है क्लास 9th के सेल वाले चैप्टर में भी मेंशन है। और हाँ, यहाँ से क्वेश्चन आपको KVS में स्टेटमेंट वाइज पूछा गया था, ये मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगी। अभी थोड़ा और सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ लेते हैं तो दिखाते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन यहाँ से बनाया गया था। अब देखो, तो ये तो हमने आपको बता दिया कि जो हमारा RER है यानी ये वाला, यही इधर जो है SER बना रहा है और इधर जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बना रहा। अब हमने आपको जो फंक्शन बताया इसको थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं, मतलब अगर आप डायरेक्ट याद रखते हैं तो अच्छी बात है। लेकिन देखो डायरेक्ट लाइन तो NCERT में भी मेंशन है, फिर भी क्या होता है, हम उसको कितनी भी बार पढ़ लें भूल जाता है। क्यों, क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। हमने ये तो पढ़ा जो SER है वो क्या करता है, कैल्शियम स्टोरेज इन मसल सेल, लेकिन किस तरह से करता है, क्या करता है, ये भी समझ लेते हैं। देखो ये हो गया हमारा मसल, ये हम पढ़ेंगे लोकोमोशन एंड मूवमेंट में। तो थोड़ा सा समझो, जैसे मान लो अभी हमारा मसल क्या है, रिलैक्स कंडीशन में है। क्या है, रिलैक्स मतलब हम बिल्कुल रिलैक्स हैं। तो क्या है, इन रेस्टिंग स्टेज SER स्टोर कैल्शियम, जैसे यहाँ पे देखो जो हमारा स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है यहाँ पे क्या है, कैल्शियम स्टोर है। अब मान लो स्टिमुलस
स्टिमुलस आया और हमारा मसल क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट किया, तो ये जो कैल्शियम है वो क्या आ जाएगा, वो बाहर आ जाएगा। और इस तरह से जो अभी यहाँ पे आपको ये रिलैक्स दिख रहा है, ये जो है इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, यानी रिलैक्स है आप, फैले पड़े हैं लेकिन कॉन्ट्रैक्ट होंगे, यानी वो थोड़ा पास पास आ जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पे कैल्शियम स्टोरेज जो है होता है। तो देखो क्या लिखा है, इन रेस्टिंग स्टेज SER स्टोर कैल्शियम, जिसको हम बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और बिफोर मसल्स कॉन्ट्रैक्शन SER रिलीज कैल्शियम एंड इंड्यूज मसल कॉन्ट्रैक्शन। यानी जब कोई स्टिमुलस आता है, हमारा मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो जो कैल्शियम हो वो रिलीज हो जाता है और उसी की वजह से हमारा मसल क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। अब देखो मेम्ब्रेन सिंथेसिस, हमने आपको क्या बताया, मेम्ब्रेन सिंथेसिस भी करता है SER। तो ऑल द मेम्ब्रेन आर कंपोज ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, जितने भी मेम्ब्रेन होते हैं, चाहे वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन जो भी हो गया, वो किससे बने होते हैं, लिपिड और प्रोटीन के बने होते हैं। तो इन लिपिड और प्रोटीन को कौन सिंथेसाइज करता है, SER। तो देखो ऑल द मेम्ब्रेन लिपिड्स आर सिंथेसाइज्ड बाय SER, जितने भी मेम्ब्रेन लिपिड होते हैं वो किससे सिंथेसाइज किए जाते हैं, SER से। ऑल द मेम्ब्रेन प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड बाय RER, और जितने भी प्रोटीन मेम्ब्रेन होते हैं वो किससे सिंथेसाइज होते हैं, RER से। तो इस पॉइंट को जो है आप याद रखेंगे, लिपिड सिंथेसाइज होते हैं SER से, यानी लिपिड मेम्ब्रेन SER से, प्रोटीन मेम्ब्रेन RER से। अब देखो मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जैसे मान लो ये हो गया हमारा इंटेस्टाइन और ये हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन। तो देखो कार्बोहाइड्रेट, मान लो हमने कुछ खाया, तो यहाँ पे ये हो गया हमारा ग्लूकोज, जो कि ये गया हमारे ब्लड में, और यहाँ से ये गया हमारे सेल्स में, तो ये इंसुलिन के हेल्प से हमारे सेल के अंदर गया। तो यहाँ पे क्या होगा, ग्लूकोज के द्वारा ग्लाइकोलिसिस होगी, फिर इसका जो प्रोडक्ट है वो क्रेब साइकिल ETS, और इसके द्वारा जो है यहाँ पे ATP प्रोडक्शन होगा। अब मान लो यहाँ पे कुछ ग्लूकोज जो है वो वहाँ पे उससे जो है ATP सिंथेसिस नहीं हुआ, तो उसको क्या करेंगे, एनाबोलिज्म मैकेनिज्म होगा यहाँ पे SER के थ्रू, और यहाँ पे जो ग्लूकोज है उसको ग्लाइकोजन के रूप में क्या कर लिया जाएगा, स्टोर कर लिया जाएगा। तो इस तरह से जो है ये मेटाबॉलिज्म आप कार्बोहाइड्रेट में हेल्प करते हैं। अगर आपको डायरेक्ट इसका केवल फंक्शन याद रहेगा अच्छा है, लेकिन मैं आपको थोड़ा डिटेल में इसलिए बता रही हूँ ताकि ये पॉइंट कभी ना भूले और किस तरह से होता है ये भी आपको याद हो। अब देखो सिंथेसिस ऑफ लिपिड एंड स्टेरॉइड प्रॉपर्टी आर सिमिलर टू लिपिड, यानी जो स्टेरॉयड होते हैं इनकी प्रॉपर्टी लिपिड से सिमिलर होती है। और स्टेरॉयड क्या होते हैं, जिसको हम बोलते हैं सेक्स हार्मोन, तो ये क्या क्या होते हैं, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन और इस्ट्रोजन, तो ये सब क्या होते हैं, स्टेरॉयड। नेक्स्ट देखो टेस्टिकुलर सेल एंड ओवेरियन सेल आर रिच इन SER, जो टेस्टिकुलर सेल होते हैं या फिर ओवेरियन सेल होते हैं उनमें क्या होता है SER, यानी स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बिकॉज दे आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन स्टेरॉयड सिंथेसिस, क्योंकि ये क्या करते हैं स्टेरॉयड सिंथेसिस यानी सेक्स हार्मोन के सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। तो आप याद रखेंगे टेस्टिकुलर सेल या फिर ओवेरियन सेल रिच इन SER, जैसे आपसे मान लो स्टेटमेंट दे दिया टेस्टिकुलर सेल एंड ओवेरियन सेल आर रिच इन RER, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ये रिच होते हैं SER में, क्यों, क्योंकि वो जो है एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं स्टेरॉयड सिंथेसिस में, और स्टेरॉयड सिंथेसिस, स्टेरॉयड क्या होता है लिपिड के तरह, और लिपिड सिंथेसिस में हेल्प करता है SER। तो इस तरह से इसको आप याद रखेंगे। अब देखो लास्ट पॉइंट क्या है, डिटॉक्सिफिकेशन, किस तरह से ये डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करते हैं ये भी देख लीजिए। डिटॉक्स, डी मीन्स क्या होता है रिमूवल, जैसे हम देखते हैं डिहाइड्रेशन यानी पानी का रिमूवल, ठीक उसी तरह से डिटॉक्सिफिकेशन, टॉक्सिक यानी कि जहर, यानी जो भी टॉक्सिक मटेरियल है उसका रिमूवल, तो वो हो गया हमारा डिटॉक्सिफिकेशन। अब देखो मान लो यहाँ पे देखो सबसे पहले ये देखो जो वाटर होता है वो कैसा होता है, पोलर होता है, क्या होता है, जो वाटर है हमारा वो पोलर होता है, और केमिस्ट्री में एक कॉन्सेप्ट होता है पोलर डिजॉल्व, सॉरी लाइक डिजॉल्व लाइक, यानी पोलर जो है वो पोलर में डिजॉल्व होगा, नॉन पोलर नॉन पोलर में डिजॉल्व होगा। तो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, जैसे मान लो ये मेन है ये वोमेन है, ये अभी क्या है नॉन पोलर यानी कैन नॉट डिजॉल्व इन वाटर, जब नॉन पोलर होंगे तो ये वाटर में डिजॉल्व नहीं होगी, यानी जब अपना एक एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर करेंगे तो ये नॉन पोलर हैं। लेकिन मान लो कोई एक व्यक्ति ताकतवर हो गया, वो सारा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लिया, यानी इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज, इस पे हो गया पॉजिटिव चार्ज, तो अब ये कैसा हो गया पोलर, तो जो पोलर है वो हमारा वाटर भी कैसा है पोलर, तो पोलर मॉलिक्यूल वाटर में पोलर बन जाएगा। अब देखो जो ड्रग या टॉक्सिन या एल्कोहल है
इनसॉल्युबल और लेस सॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में लेस सॉल्युबल होते हैं। लेकिन जो एस ई और होता है वो क्या करता है, यहाँ पे OH ऐड करवा देता है। यानी अभी ये जो बेंजीन है, मतलब मान लो कोई भी ड्रग टॉक्सिन एल्कोहल जो भी है, तो यहाँ पे ये अभी वाटर में इनसॉल्युबल है, लेकिन जब एस ई आर यहाँ पे OH को ऐड करवाया तो ये क्या हो गए, सॉल्युबल हो गए किस में, वाटर में। तो जब ये वाटर में सॉल्युबल हो जाएंगे तो क्या होगा, ईजिली एंड क्विकली एक्सक्रीटेड बाई किडनी, ये हमारे किडनी से ईजिली क्या कर दिए जाएंगे, एक्सक्रीट कर दिए जाएंगे। तो मैंने आपको क्या बताया, जो एस ई आर है वो जो है डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है। यानी मान लो हमारे अंदर कोई टॉक्सिक मटेरियल है, वो बाहर कैसे जाएगा, जब वो सॉल्युबल होगा वाटर में। लेकिन ये तो वाटर में इनसॉल्युबल है, यानी इसको पोलर बनाना पड़ेगा। तो जो पोलर बना रहा है वहीं पे हमारा एस ई आर हेल्प कर रहा है। तो ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो, ड्रग टॉलरेंस और एल्कोहल और वेनम टॉलरेंस इज ड्यू टू प्रोलीफ्रेशन ऑफ एस ई आर। यानी जो जो एस ई आर है उसके सिंथेसिस के थ्रू जो है ड्रग टॉलरेंस, जैसे मान लो किसी ने जैसे कोई एल्कोहल पीना शुरू किया, तो शुरू शुरू में वो थोड़ा ही एल्कोहल पिएगा। मान लो कोई कभी एल्कोहल नहीं पिया है, वो केवल एक ढक्कन एल्कोहल पी लेगा तो भी उसको जो है वो मतलब हेलुसिनेशन होने लगेंगे। मतलब क्या कह सकते हैं कि जो भी होता है मतलब एल्कोहल पीने के बाद वो सब नशा वो सब होने लगेगा। लेकिन अगर वो डेली डेली पीते रहेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि उनको मतलब बहुत ज़्यादा पीना पड़ेगा, उसके बाद भी उतना ज़्यादा नशा नहीं होगा जितना वो चाहते हैं। तो वो किसके वजह से होता, वही है मतलब ड्रग टॉलरेंस या फिर एल्कोहल टॉलरेंस या फिर वेनम टॉलरेंस इज ड्यू टू प्रोलीफ्रेशन ऑफ एस ई आर। यानी एस ई आर के सिंथेसिस के कारण जो है ऐसा होता है। अब देखो यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं गॉल्गी बॉडी के बारे में। तो गॉल्गी बॉडी के बारे में देखिए क्या है, अब तक हमने राइबोसोम और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में डिस्कस कर लिया, अब हम यहाँ पे गॉल्गी बॉडी देखते हैं। तो देखो, जो गॉल्जी बॉडी है सबसे पहले ये किसके द्वारा डिस्कवर किया गया, तो ये डिस्कवर किया गया कैमिलो गॉल्जी के द्वारा। अब इनके नाम में ही है गॉल्जी, तो इससे जो है ये आपको याद रह ही जाएगा, कैमिलो गॉल्जी जो है उन्होंने ही गॉल्जी बॉडी को डिस्कवर किया था। अब देखो, वनली विजिबल विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और हमने इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी देखा कि वो भी केवल जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू ही विजिबल होता है। और यहाँ पे देखो इसका फंक्शन, मैंने आपको रेस्टोरेंट वाले एग्जांपल में भी बताया था, ये क्या काम करता है, PMT यानी पैकेजिंग मॉडिफिकेशन टैगिंग एंड ट्रांसपोर्ट। तो ये हो गया इसका फंक्शन। अब आगे देखो, ये स्ट्रक्चर से अब आप अच्छी तरह से वाकिफ हो गए होंगे। ये है हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये है हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये यहाँ पे लगा हुआ है राइबोसोम, और ये है हमारा गॉल्जी बॉडी। तो अब यहाँ पे देखो, हमने आपको क्या बताया, जो फ्लैट सा स्ट्रक्चर होगा चपटा सा, वो होता है हमारा सिस्टर्नी। और आप देखेंगे सिस्टर्नी जो है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी होता है, और ये जो इस तरह से स्ट्रक्चर है ये है हमारा सिस्टर्नी। यानी गॉल्जी बॉडी में भी सिस्टर्नी है और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी सिस्टर्नी है। लेकिन दोनों के सिस्टर्नी में क्या डिफरेंस है, दोनों के सिस्टर्नी में क्या डिफरेंस है ये हमको देखना है। तो अच्छी तरह से देखना, जो सिस्टर्नी ऑफ ER यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो सिस्टर्नी है, दे आर कनेक्टेड टू न्यूक्लियस। अब देखो ये जो है डायरेक्ट न्यूक्लियस से कनेक्ट है, लेकिन जो सिस्टर्नी ऑफ गॉल्जी बॉडी है ये न्यूक्लियस के पास में तो है लेकिन इससे कनेक्टेड नहीं है। तो हम कह सकते हैं सिस्टर्नी ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर कनेक्टेड टू न्यूक्लियस, बट सिस्टर्नी ऑफ गॉल्जी बॉडी इज नियर द न्यूक्लियस, यानी ये न्यूक्लियस के पास है लेकिन न्यूक्लियस से कनेक्टेड नहीं है, जो कि आपको फिगर में दिख रहा होगा। अब देखो यहाँ पे जो सिस्टर्नी है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, उस पर क्या है, यहाँ पे राइबोसोम अटैच है, लेकिन ये जो है गॉल्जी बॉडी के सिस्टर्नी पे इस तरह का कोई भी राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है, राइबोसोम अब्सेंट है। तो आप क्या याद रखेंगे, जो सिस्टर्नी ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहाँ पे राइबोसोम अटैच है, लेकिन राइबोसोम जो है अटैच नहीं है किसमें, सिस्टर्नी ऑफ गॉल्जी बॉडी में। तो ये दो पॉइंट जो है आप याद रखेंगे, दोनों के सिस्टर्नी में क्या डिफरेंस है। अब देखो जो गॉल्जी बॉडी है इसके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं क्या क्या बातें हैं। एक तो ये क्या है, डेंसली स्टेंड है। डेंसली स्टेंड का मतलब मैंने आपको पहले भी बता दिया, लाइट स्टेंड मतलब क्या होता है, जैसे मान लो मैंने एक पतला सा धागा खींचा, ये है हमारा लाइट स्टेंड। लेकिन अगर हम इसी को इस तरह से कर देंगे तो इसका क्या मतलब होगा,
डेंसली स्टेंड, यानी ये अब अच्छे से क्या हो रहा, विजिबल हो रहा है। तो ठीक उसी तरह से देखो गॉल्जी बॉडी क्या है, वो सिस्टर्नी से मिलकर बना होता है, लेकिन यहाँ पे कई सारे ऐसे सिस्टर्नी एक साथ जुड़ जाते हैं, इस वजह से हम इसको कह सकते हैं डेंसली स्टेंड। तो क्या हो गया, डेंसली स्टेंड है, क्यों? क्योंकि ये जो सिस्टर्नी है ये बना रहा है एक नेटवर्क, बिकॉज गॉल्जी बॉडी इज रेटिकुलर, इस वजह से ये क्या है, डेंसली स्टेंड। दे कैन बी फ्लैट, आप देखेंगे इसको हम इस तरह से जो है बनाते हैं इसका फिगर, तो ये क्या है, फ्लैट, जैसे आप छोले कुलचे खाएंगे तो जो कुलचा होता है, ठीक इस तरह से देखो ऐसे, तो ये होता है हमारा गॉल्जी बॉडी। दे कैन बी फ्लैट, ये इस तरह से चपटा हो सकता है, जैसे हम कहते हैं लाइक पिट्टा ब्रेड, जैसे कि पिट्टा ब्रेड होता है, ठीक उसी तरह से ये गॉल्जी बॉडी होती है। कंसेंट्रिकली अरेंज्ड, अब इसका क्या मतलब होता है कंसेंट्रिकली अरेंज्ड, जैसे मान लो आपने जो है इस तरह से कुछ गोले बनाए, तो देखो इन सबका सेंटर क्या है, एक ही है, यानी उसी सेंटर से सभी जो है यहाँ पे सर्कल बन रहे हैं, तो इसी को हम बोलते हैं कंसेंट्रिकली, यानी जैसे यहाँ से ये बना फिर ये बना, सबका सेंटर एक ही है, तो इसी तरह से हमारी गॉल्जी बॉडी भी होती है। यानी गॉल्जी बॉडी में क्या क्या याद रखेंगे, ये डेंसली स्टैंड होता है, फ्लैट हो सकता है पिटा ब्रेड की तरह, और कंसेंट्रिकली अरेंज्ड होता है। और ये डेंसली स्टैंड क्यों होता है, क्योंकि ये यहाँ भी जो है नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। अब देखो आपसे ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है सीस फेज और ट्रांस फेज के बारे में, एनवीएस में, एनवीएस टीजीटी के एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जो गॉल्जी बॉडी है उसका कौन सा फेज सीस होता है, कौन सा ट्रांस होता है, कौन सा फॉर्मिंग फेज होता है, कौन सा जो है ट्रांसफरिंग फेज होता है। तो अब यहाँ पे समझो, देखो ये हो गया हमारा न्यूक्लियस, और यहाँ पे ये क्या लगा हुआ है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये है हमारा गॉल्जी बॉडी, ये हो गया गॉल्जी बॉडी। तो अब देखो हमने आपको रेस्टोरेंट वाले एग्जाम्पल में क्या बताया, कि ये है हमारा ये है हमारा कंट्रोलिंग सेंटर, और ये है हमारा किचन, और ये था हमारा छोटू जो है खाने को पैक करता है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे अपना ऑर्डर दिया, यहाँ पे हमारा ऑर्डर बना, यानी हमने जो भी खाने के लिए ऑर्डर किया वो खाना यहाँ पे बना, कहाँ पे, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। और वो खाना कौन पैक करता है, ये जो छोटू है वो खाना पैक करेगा, और ये छोटू है हमारा गॉल्जी बॉडी। तो अब देखो यहाँ से खाना ये आ रहा है, छोटू जो है खाना यहाँ पे लाके पैक कर रहा है, और फिर यहाँ से खाने को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। तो जो आ रहा है खाना यहाँ पे, ध्यान से देखना, जो चीज़ें आ रही हैं ये है हमारा सीस फेज, क्या है सीस फेज, लेकिन जिधर से ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो जो है इधर से इधर तो ट्रांसपोर्ट कर नहीं रहा है, वो जो है इधर ट्रांसपोर्ट करेगा, तो जिधर से ये ट्रांसपोर्ट करता है उसको हम बोलेंगे ट्रांस, यानी ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और ये जो सेम साइड है इसको हम बोलेंगे सीस फेज, और जिधर से ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसको हम बोलेंगे ट्रांस फेज। अब इसको सीस या ट्रांस की तरह भी पूछते हैं, या फिर पूछते हैं कॉन्वेक्स और कॉनकेव की तरह। तो इसको कैसे आप याद रखेंगे, आपसे सिंपली पूछते हैं कि जो मतलब कॉन्वेक्स मतलब गॉल्जी बॉडी का जो कॉन्वेक्स साइड है वो न्यूक्लियस के तरफ है या फिर न्यूक्लियस से दूर है। तो देखो जो कॉन्वेक्स है जो गॉल्जी बॉडी का कॉन्वेक्स साइड है वो न्यूक्लियस के तरफ है, लेकिन जो कॉनकेव है वो न्यूक्लियस से दूर है। तो इसको कैसे याद रखेंगे, ये देखो जैसे मान लो इस तरह से हमने एक स्ट्रक्चर बनाया, तो देखो केव मीन्स क्या होता है, गुफा, CAVE केव मीन्स क्या होता है, गुफा। तो इधर से ये गुफा थोड़े ना है, गुफा इधर से है गुफा, यानी ये साइड जो है ये जो साइड है ये है हमारा गुफा। तो आप देखो इस तरह से ये है, ये थोड़ा सा ऐसे बना होता तो और क्लियर समझ आता, ये तो ये है हमारा केव साइड, इस वजह से इसको हम बोलेंगे कनकेव। यानी इसको मैं आपको याद रखने का ट्रिक बता रही हूँ, ये है हमारा केव, मतलब इधर से हम जाएंगे गुफा में घुस जाएंगे, तो ठीक उसी तरह से इसको याद रखना, ये है हमारा कनकेव साइड और ये है कॉन्वेक्स। अगर एक साइड आपको याद हो गया उसका उल्टा करके दूसरा वाला याद रख लेना, और इधर से जो है मटेरियल का ट्रांसपोर्ट होता है, इस वजह से ये ट्रांसफेज और ये कनकेव साइड। और देखो ट्रांसपोर्ट करना यानी कि शिपिंग करना, तो इसको हम बोल देते हैं शिपिंग एंड, और यहाँ से जो है खाना यहाँ पे आ रहा है, यानी यहाँ से ये इसको रिसीव कर रहा, तो ये हो जाएगा रिसीविंग एंड। तो आपको ये सारे
पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, सिस फेज क्या है, ट्रांस फेज क्या है, कन्वेक्स साइड क्या है, कॉनकेव साइड क्या है, रिसीविंग एंड क्या है और शिपिंग एंड क्या है, इसको ध्यान से समझ लेना, यहाँ से क्वेश्चन जो है बनता है। और सिंपल सा ही क्वेश्चन पूछेंगे कि कॉनकेव साइड जो है वो न्यूक्लियस के तरफ है या फिर न्यूक्लियस से दूर है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए क्या है, सिस एंड ट्रांस फेज आर इंटायरली डिफरेंट। यानी देखो यहाँ पे जो सिस फेज है, ये सिस फेज है और ये ट्रांस फेज है, दोनों ही क्या है, इंटायरली डिफरेंट है, यानी ये पूरी तरह से डिफरेंट है बट इंटरकनेक्टेड। ये लेकिन जो है क्या है, इंटरकनेक्टेड, यानी इधर से जो है खाना आ रहा है और इधर से जो है जा रहा है, जो सबस्टांस है वो आ रहा है और इधर से जा रहा, यानी ये दोनों फेज क्या है, डिफरेंट है, दोनों का जो है फंक्शन डिफरेंट है, लेकिन ये आपस में क्या है, कोऑर्डिनेटेड है, इंटरकनेक्टेड है, यानी ये जो है इसके बिना ये कुछ नहीं और इसके बिना ये कुछ नहीं। तो हम कह सकते हैं सिस एंड ट्रांस फेज आर इंटायरली डिफरेंट बट इंटरकनेक्टेड। अब देखिए यहाँ पे ये जो है हमारा न्यूक्लियस और ये है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मान लो यहाँ से जो है सबसे पहले क्या बना, प्रोटीन, तो इसको हम बोलेंगे प्राइमरी प्रोटीन। क्या बोलेंगे, प्राइमरी प्रोटीन। और ये है हमारा फॉर्मिंग फेज। अब देखो यहाँ से जो प्रोटीन आया, तो सबसे पहले जैसे मान लो यहाँ से खाना भेज दिया गया, अब जो है यहाँ पे ये इसका क्या होगा, मॉडिफिकेशन, क्या होगा, मॉडिफिकेशन। उसके बाद ये जो गॉल्जी बॉडी है इस प्राइमरी प्रोटीन को मॉडिफाई किया, यानी ये हो गया हमारा मॉडिफिकेशन। उसके बाद यहाँ पे फॉस्फेट ऐड कर दिया जाएगा, और इस फॉस्फेट को ऐड करने के मतलब प्रोटीन में फॉस्फेट को ऐड करना, इसी को हम क्या बोलते हैं, टैगिंग। यानी जो हमारा प्रोटीन था उस पर फॉस्फेट का टैग लगा दिया गया, यानी ये प्रोसेस क्या हो गया, टैगिंग। उसके बाद देखो ये हो गया हमारा प्रोटीन, और प्रोटीन से लगा दिया गया फॉस्फेट, और इसको जो है पैक कर दिया गया एक मेम्ब्रेन के अंदर, तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, पैकेजिंग। यानी याद रखना जो गॉल्जी बॉडी है वो मॉडिफिकेशन, टैगिंग प्लस पैकेजिंग में क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। और आपसे ये भी पूछ सकते हैं कौन सा फॉर्मिंग फेज है, कौन सा मैच्योरिंग फेज है। अब देखो जब तक ये यहाँ पे आने पे ये क्या हो रहा है, पूरी तरह से मैच्योर हो रहा है, यानी खाना पूरी तरह से रेडी हो रहा है, उसके बाद यहाँ से ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है यानी ये हो गया हमारा मैच्योरिंग फेज और ये हो गया फॉर्मिंग फेज। यानी यहाँ पे अभी तो सब कुछ बन रहा है, लेकिन यहाँ से बनने के बाद जा रहा है, यानी यहाँ पे ये पूरी तरह मैच्योर हो चुका है, लेकिन यहाँ पे अभी फॉर्म हो रहा है। तो इस तरह से याद रखना जो है, ये है हमारा फॉर्मिंग फेज, ये है हमारा मैच्योरिंग फेज। तो अब जो है ये जो मटेरियल है वो सेल के बाहर भी ट्रांसपोर्ट हो सकता है, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्ट टू एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस या फिर ट्रांसपोर्ट टू इंट्रा सेलुलर स्पेस, यानी सेल के अंदर ही जो है इसका ट्रांसपोर्ट हो सकता है। तो इस पॉइंट को भी याद रखना। अब देखिए गॉल्जी बॉडी इज क्लोजली एसोसिएटेड विथ ER। तो यहाँ पे हमने देखा ही जो हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये, और ये जो गॉल्जी बॉडी है, दोनों आपस में क्या है, एसोसिएटेड है, तो बिल्कुल सही है। लेकिन क्या बोला जा रहा, गॉल्जी बॉडी इज क्लोजली एसोसिएटेड विथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्यों? क्योंकि उनका जो फंक्शन होता है वो कोऑर्डिनेटेड होता है। यानी जो अगर मान लो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बना के नहीं देगा, तो गॉल्जी बॉडी किसको जो है वहाँ पे मॉडिफाई करेगा, किस पे टैगिंग करेगा, किसको पैकेजिंग करेगा, किसका पैकेजिंग करेगा। तो इस तरह से जो है जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोटीन बना के देगा, फिर गॉल्जी बॉडी जो है उसको जो है मॉडिफाई करेगा, टैगिंग करेगा, पैकेज करेगा, उसके बाद ट्रांसपोर्ट करेगा। तो इस पॉइंट को जो है आप अच्छे से याद रखना, गॉल्जी बॉडी क्लोजली एसोसिएटेड विथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बिकॉज देयर फंक्शन आर कोऑर्डिनेटेड। अब देखिए फंक्शन ऑफ गॉल्जी बॉडी, जो गॉल्जी बॉडी है उसका क्या क्या फंक्शन है, सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। यानी जो गॉल्जी बॉडी है वो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड के सिंथेसिस में हेल्प करता है। तो देखो जी फॉर ग्लाइकोप्रोटीन, जी फॉर ग्लाइकोलिपिड, जी फॉर गॉल्जी बॉडी। तो इससे याद रखना ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड के सिंथेसिस में कौन हेल्प करता है, गॉल्जी बॉडी। दे फॉर्म लाइसोसोम्स एंड वेसिकल, वो क्या करते हैं, लाइसोसोम और वेसिकल्स को बनाते हैं। किस तरह से बनाते हैं इसे भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखो गॉल्जी बॉडी क्या करता है, ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड बनाता है, लाइसोसोम और वेसिकल भी फॉर्म करता है। सिंथेसिस ऑफ पेक्टिन, जो पेक्टिन है उसका भी सिंथेसिस करता है। पेक्टिन क्या होता है, मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड। अब ये पॉलीसेकेराइड क्या है, ये भी जो है हम बायोमोलिक्यूल चैप्टर में डिस्कस करेंगे।
अब देखिए एक्रोसोम, ये जो है एक्रोसोम भी बनाता है जिसको हम बोलते हैं मॉडिफाइड गोल्जी बॉडी, यानी जो एक्रोसोम होता है वो क्या होता है, मॉडिफाइड गोल्जी बॉडी ही होता है। इन रूट कैप दे फॉर्म म्यूकस, यानी जो गोल्जी बॉडी है वो रूट कैप में क्या करता है, म्यूकस फॉर्म करता है। तो ये जो है पांच फंक्शन यहाँ पे याद रखना गोल्जी बॉडी का, वो तो हमने आपको बताया ही, क्या करता है मॉडिफिकेशन करता है, पैकेजिंग करता है, टैगिंग करता है, ये सब। लेकिन उसके अलावा क्या क्या याद रखेंगे, जो ग्लाइको प्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड है उसके सिंथेसिस में भी गोल्जी बॉडी हेल्प करता है। दे फॉर्म लाइसोसोम एंड वेसिकल, वेसिकल और लाइसोसोम के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। पेक्टिन के सिंथेसिस में भी हेल्प करता है, एक्रोसोम सिंथेसिस में हेल्प करता है और रूट कैप में म्यूकस का फॉर्मेशन भी करता है। तो इन सारे पॉइंट को आप जो है अच्छी तरह से याद रखेंगे। तो एक्रोसोम समझने के लिए थोड़ा सा देख लीजिए, अगर आपको वो पांचों फंक्शन याद हो गए तो उससे बाहर वैसे भी कुछ भी नहीं पूछना है इसको, लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिए कि ये सब फंक्शन किस तरह से होते हैं। जैसे मान लो जब जब ओवेरियन साइकिल चलती है तो यहाँ पे जो है ये बन गया हमारा, ये जो है जोना पेलुसिडा और ये जो है थीका लेयर हो गया, थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना, और ये हो गया हमारा एंट्रम। फिर यहाँ पे क्या होता है, देखो ये जो है आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन में अच्छी तरह से समझ आएगा। अभी बस थोड़ा सा देख लो कि ये फंक्शन किस तरह से हो रहा है, हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं एक्रोसोम क्या होता है। जैसे मान लो जब ये साइकिल चल रहा है, जैसे आप देखें मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो यहाँ पे जब ये बना तो क्या होता है, यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है वो मतलब जब यहाँ पे क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है, जब ओव्यूलेशन होता है तो कुछ इस तरह से चीज़ें जो है ख़त्म होने लगती हैं, तो ये जो स्ट्रक्चर बचता है उसको हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। और अब ऐसा तो है नहीं एक तरफ से चीज़ें ख़त्म होंगी, तो वो कुछ इस तरह से जो है रेडिएट होती हैं, जिसको हम बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। अब देखो ये चीज़ें मैं आपको फिर से बोल रही हूँ, अगर नहीं समझ आ रही कोई बात नहीं, थोड़ा सा देख लो, आइडिया ले लो, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में ये अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएंगी और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको जो है समझो। देखो अब ये जो है क्या है हमारा स्पर्म, ये जो है स्पर्म है और ये यहाँ पे जो है इसी को हम बोलते हैं एक्रोसोम, और यहाँ पे कुछ प्रोटीन होते हैं जिसको हम बोलते हैं प्रोस्टेटिक प्रोटीन, और इसके हेड से इस प्रोस्टेटिक प्रोटीन को हटाना, यानी यहाँ से इस प्रोस्टेटिक प्रोटीन को हटाने को हम बोलते हैं कैपासिटेशन, यानी जब ये कैपासिटेशन हुआ, ये प्रोटीन यहाँ से हट गए तो ये क्या बचा हमारा एक्रोसोम, और इस एक्रोसोम में क्या होता है हेड। अब देखो ये मान लो इसका सिर वाला रीजन है, तो यहाँ पे है एक्रोसोम, यानी एक्रोसोम अपने सिर पे क्या लगाया है हेड, तो इसमें यहाँ पे क्या क्या होता है हायलुरोनिडेज और यहाँ पे एक्रोसिन और क्या होता है ट्रिप्सिन, तो ये यहाँ पे जो है प्रेजेंट होते हैं हायलुरोनिडेज, एक्रोसिन और ट्रिप्सिन। तो अब देखो जैसे मान लो जब फर्टिलाइजेशन होता है तो हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि जो स्पर्म होता है, जैसे मान लो एक स्पर्म इंटर किया जब ओवम के अंदर, तो उसके बाद कोई भी स्पर्म इंटर नहीं कर सकता, और वही स्पर्म इंटर करता है जो सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है। तो यही प्रोसेस यहाँ पे हम बता रहे हैं कि सबसे पहले जब ये जो स्पर्म है जब ओवम में इंटर करने वाला होता है तो सबसे पहले एक प्रोसेस होता है कैपासिटेशन, और इस एक्रोसोम के अंदर में क्या होता है हायलुरोनिडेज, एक्रोसिन और ट्रिप्सिन, और ये जो एक्रोसोम है यही है हमारा मॉडिफाइड गोल्जी बॉडी। तो इतना सा याद रखना, आपको ये जो है हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन में अच्छी तरह से क्लियर कर देंगे। अब देखो हमने पढ़ा कि रूट कैप में ये म्यूकस बनाता है, तो देखो ये जो है रूट कैप में सबसे पहले क्या है मेरिस्टमैटिक सेल, मेरिस्टमैटिक सेल में क्या होता है माइटोसिस प्रेजेंट, यानी यहाँ पे लगातार डिवीजन होता है, और ये कैसे होते हैं थिन होते हैं, यानी जल्दी से ये ब्रेक हो सकते हैं। तो अब देखो ये जो रूट है ये बढ़ता जाएगा, तो यहाँ पे जो माइटोसिस है उसको स्टॉप करना है, यानी यहाँ पे सेल वॉल थिकनिंग हो जाएगी, यानी ये है हमारा रूट कैप। गोल्जी बॉडी ऑफ रूट कैप सिक्रीट म्यूकस, यानी ये जो गोल्जी बॉडी है रूट कैप का गोल्जी बॉडी है वो क्या करता है, वो म्यूकस सिक्रीट करता है, जो कि क्या करता है रूट कैप को प्रोटेक्ट करता है, यानी जो रूट कैप है उसको प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है, वो म्यूकस करता है जो कि गोल्जी बॉडी ने सिक्रीट किया हुआ है। तो यही हमने देखा कि जो गोल्जी बॉडी है वो म्यूकस सिक्रीट करता है रूट कैप में, तो बस इतना सा याद रखना। अब देखो जो लाइसोसोम है इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आज हमने आपको क्या क्या बताया राइबोसोम के बारे में, और हमने आपको बताया यहाँ पे ईआर यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, और
गॉल्जी बॉडी के बारे में। तो इन तीन ऑर्गेनलीज के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। इसके पिछले वीडियोज में हमने न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस को डिस्कस किया था। तो इस तरह से धीरे धीरे हम इस चैप्टर को कवर कर लेंगे और आप देखेंगे जो 9th में सेल चैप्टर है वो सब उसका एक एक पॉइंट यहाँ पे कवर हो जाएगा। यानी उस चैप्टर को हम आप जो है पढ़ के देख लेना, आपको कुछ भी नए पॉइंट नहीं मिलेंगे, सारे चैप्टर जो है डिस्कस हो जाएंगे। तो आप एक बात बताना, क्या हम ऐसा कर लें कि जैसे मान लो हमने 11th 12th का यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, अब जो है हम 11th 12th बेस भी NCERT की क्वेश्चन कर लें और जो है 9th के भी लगे हाथ कर लें, ताकि मतलब हमको दो बार ना पढ़ना पड़े। अब जैसे आप सोचो कि एक बार मैं 11th 12th का सेल पढ़ाऊँ फिर 9th का पढ़ाऊँ, तो है तो चीज़ें दोनों में सेम ही, बस यहाँ पे कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा हैं। तो अगर आप वो एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ लेंगे तो जो कम चीज़ें हैं वो तो ऑटोमेटिक कवर हो जाएंगी। तो आप बताना, मैं जो है आपको 9th 10th बेस सेल के क्वेश्चन और 11th 12th दोनों करा दूँ, इस तरह से आप एग्री करते हैं या फिर नहीं, तो ये जो है अपना फीडबैक कमेंट में दे देना। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा, और याद रखना ये वीडियोस आपके फीडबैक पे ही डिपेंड करती हैं। अगर फीडबैक अच्छा आएगा तो ही आपको वीडियो रेगुलर मिलेंगी, अदरवाइज मैंने आपको पहले भी बोला है सीरीज स्टॉप कर दी जाएगी। तो अपना फीडबैक देना मत भूलना इस वीडियो में ही तक। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव।